क्योंकि मम्मी चली गई थी तो ज्यादा कपड़े वपड़े लेकर नहीं गई थी। तो आज हम लोग जा रहे हैं विशाली भाई के यहाँ, बिकॉज मम्मी भी वहीं पर है मेरी बहुत दिन से। और तो मैंने सोचा मम्मी से मिलने की बहुत मन कर रहा था, बेटा क्या कर रहे हो, तो आई डिसाइड कि मम्मी से मिलते आ जाते हैं। तो हम जा रहे हैं, बहुत तेज ऐसी चला रखा है नोनू, कैसे बेटा उड़ा क्या फिट कर दिया भाई, इसको सेटिंग तो खराब ही करता है हमेशा ही। वाह कितनी तकड़ी तू, ये क्या कर रहे हो, देखना क्या क्या करता रहता है, देखना। अरे बाबू मत करना, गर्मी कितनी ज्यादा हुई है ना यार, है मुनु आज फिर हो गई है। मतलब दो तीन दिन से इतना अच्छा सा वेदर था, मतलब कुछ दिन से इतना अच्छा वेदर था बारिश वगैरह की वजह से, और आज फिर बहुत ज्यादा गर्मी, और कल हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। क्या हुआ मुनु, कल का आप बताओगे, एक्सप्लेन करो। No comment? बोलो ना। No comment. ऐसे कर रहे हो, ऐसे के जैसे मैंने क्या बोल दिया, ये भी हंस रहा है। एक्चुअली हम ना मेरे घर पर आए हैं, मतलब मेरे मायके में आए, मतलब मम्मी का कुछ सामान लेना, मम्मी के कुछ कपड़े उठाने हैं यहाँ से, फिर हम लाएंगे लोग निकलेंगे वैशाली। मेरी टंग स्लिप हो रही है। सो मेरा घर पता ही है आप लोगों को, मायका और मेरा ससुराल लेक जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा मायका बहुत पास पास है। सो हम आ जाते हैं, क्योंकि मम्मी चली गई थी तो ज्यादा कपड़े वपड़े लेकर नहीं गई थी। सो हम आए साबेरी मार्केट, जहाँ से हमने लेनी थी एक अलमारी छोटी सी, रेहान फर्नीचर से हमने अलमारी ली है। हम गाड़ी में इस तरह से अलमारी को रख के ले जा रहे हैं, हम कुछ रेंट पे हायर नहीं कर रहे। से हाय, अब बताओ कहाँ जा रहे हो, बोलो। नन्नू से मिलने जा रहा हूँ। मामा है बाबा, हर गाड़ी बाबा की नहीं होती। जो हमने शू रैक खरीदी है ना, ये रही। उठा के दो अंकल जी, धक्का नहीं, ठीक है, दिमाग से काम लो। हाँ हाँ, वैसे नहीं, बस एक मिनट ही रुको। हो गई फिट, आ गई बिल्कुल। हाँ। ये इसमें कितना भी भर लो। तो हमारी ये कार ना इतनी रफ एंड टफ है सच में, कितना भी सामान को ढो ढा के ले जाते हैं हम इसमें, मतलब हमने इसमें बहुत कुछ। सो हम इस कार में कुछ भी ढो ढा के ले जाते हैं इसमें आराम से। देखो आ गिर गया फोन। मेरा फोन गिर गया। सो इसमें आराम से ये अलमीरा आ गई है, देखो सेट हो गई है, क्योंकि हम यहाँ से निकल के जा रहे थे, मार्केट पड़ रही थी रास्ते में, और हमें शू रैक की रिक्वायरमेंट भी थी। सो हमने सोचा कि निकलते जा रहे हैं तो ले लेते हैं। पानी पीना है, मम पीना है, चलो मम पिलाते उसको, जल्दी फिनिश करो प्लीज, थोड़ा सा रह गया है बस। पापा, पापा भी आ रहे हैं बेटा। नोनू बेबा बाटी। सो यहाँ रास्ते में जूस की शॉप थी, यहाँ मार्केट पड़ती है एक क्रॉसिंग वाली। सो यहाँ से नोनू के लिए जूस लिया, बिकॉज आज तो इसने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया है। बोलो बेटा, थोड़ा सा रह रहा है प्लीज। नोना नोनू बेबी प्लीज, मेरे को ही पीना पड़ेगा अभी। है इतना प्यार क्यों कर रहे हो मम्मा को, पहले बताओ बेबी, पहले बताओ इतना प्यार क्यों कर रहे हो मम्मा को, क्योंकि पापा नहीं है ना इसलिए। देखना 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 इसके ओए मेरा बेबी, कुछ करो मम्मा को, किसी कर दो मम्मा को, बाबा कर दो। अपने लिए लाए ये पकोड़े, मतलब मोनू मार्केट जाए और कुछ ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसका ये सबूत है यहाँ पर नीचे, ये देखो। दुनिया की तो बीवियां चटोरी होती है, मेरा तो पति चटोरा है। ये भी पापा की तरह रहेगा अपने की, क्यों मोनू, इसको चटपटा और ये सब पसंद है ना, मीठा वगैरह आपकी तरह है ना।
भाई हम लेट ऑलरेडी, इतने लेट है मोनू, जल्दी चलो प्लीज। वैसे आपको पता थोड़ी देर बाद तो और ट्रैफिक हो जाएगा। खाते चलते हैं ना, मैं आपको खिलाती रहूंगी। बस मैं तो नहीं खा रही, और आप खा लो ठीक है। मैंने आप खुद लेकर आए अपने लिए, मुझे क्यों बोल रहे हो। कल की ट्रेजेडी की जो मैं बात कर रही थी वो अब हम बताते हैं, कल हमारे साथ क्या ट्रेजेडी होती। क्या हुआ, कल दिन से ही लाइट गायब थी, पूरे दिन लाइट नहीं आई। 11-12 बजे की गई सुबह की, दोपहर में 11 बजे चली गई थी ना, उसके बाद पूरे दिन कोई लाइट नहीं है। पूरे दिन लाइट ने वेट करते 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 भैया हमको बज के रात के 10-11। हमने कहा अब आएगी नहीं। रात के 2 बजे हमारा इन्वर्टर भी बंद हो गया, 1:30-2 बजे। अब क्या करें, वो तो शुक्र है मैंने ना बीच में प्रॉब्लम हुई थी लाइट की, 3-4 दिन लाइट नहीं आई थी। तब उस टाइम फिर मम्मी बोली कि मच्छरदानी ले आओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अपना बाहर लेट जाओ, चारपाई डालो बाहर लेट जाओ। तो हमने मच्छरदानी खरीद के ले आए थे दो तीन, तो हमने अपनी मच्छरदानी लगाई, चारपाई बाहर निकाली, हमने चारपाई इसलिए हमने रखी हुई है घर पे फोल्डिंग वगैरह। उसके बाद हमने मच्छरदानी लगाई, लेटे दो ढाई बजे तक तो हमारा सेटअप रेडी हुआ। मोनू बताना, 3 बजे रेडी हुआ था, मतलब 2 बजे से हमारी लाइट गई, हमने वेट करा अब आएगी। हमारा इन्वर्टर बंद हो गया था 2 बजे। उसके बाद हमने मच्छरदानी ढूंढी, मम्मी ना तह बना के रख दी थी कहीं बेड में, मम्मी है नहीं घर पे अभी, वो गई हुई है। जब हम मतलब मच्छरदानी ढूंढते हमें 2:30 बज गया। फिर हमने सेटअप वेटअप करा, वो 3 बजे तक हमारा सेटअप रेडी हुआ, मच्छरदानी लगा के चारपाई वपाई डाल के भैया वहां लेटेंगे सब, अपना पानी वानी बॉटल ली। उसके बाद लाइट ना 3:30 बजे लाइट आ गई। हम सोचते रहे बैठ के कि अंदर जाएं या यहीं लेटे रहें। मोनू कहते हैं कोई फायदा नहीं अंदर जाने का, हम अंदर जाएंगे लाइट फिर चली जाएगी। मैंने कहा यार मेरे को तो नींद नहीं आती, पहली बार तो मेरे पे ना चारपाई पे सोया नहीं जाता, और एक चारपाई पे मैं और नोनू दोनों कैसे सोए, तो फैल के सोता है। मैं बैठी रही ऐसी चारपाई पे मच्छरदानी लगा के फोन चलाती रही। फिर मैंने कहा मोनू, मैंने चादर उड़ी, मैंने कहा जब ये जाना ही नहीं चाह रहे अंदर कि लाइट चली जाएगी। हमने 15-20 मिनट वेट किया, फिर लाइट नहीं गई। फिर हम 4 बजे जाके अंदर पहुंचे, अपना एसी ऑन करा, तब हम 4 से फिर 5 बजे हमारी काम वाली आ गई। देख सुबह के 6 बजे काम वाली आ जाती है झाड़ू पोछे बर्तन करने के लिए। अब हुआ क्या कि उसको ना 2-3 दिन से उसकी तबीयत खराब थी, वो आ नहीं रही थी काम वाली। तो सुबह 5 बजे आके उसने गेट बजा दिया कि वो 6 बजे आती है। हम लेटे ही थे थोड़ी देर के लिए, इतने भैया काम वाली आ गई, क्योंकि वो फिर फ्लैटों में काम करती है ना, तो सुबह सबसे पहले हमारे यहाँ करती है 6 बजे। चल कोई नहीं, मैंने कहा इतनी जल्दी तेरे को क्या माता चढ़ी। कह रही की दीदी वो हमें आज ना जल्दी जाना है, कहीं काम हम निपटा कर कहीं जा रही होगी, उसकी तबीयत खराब थी तो वो टेस्ट वेस्ट करवाने कहीं जा रही होगी। तो फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, 1 घंटा हमारा उसने बर्बाद कर दिया काम करके। 6:30 बजे वो गई, फिर मोनू को अपना दूध लाना होता है, फिर मोनू बेचारे सोए नहीं, मोनू तो रात सोए नहीं है, मैं तो फिर भी सो गई हूँ, नोनू भी सो गया। देखो पकोड़े वो सेटअप बन रखा है अगले का, गाड़ी चल रही है पकोड़े खाए जा रहे हैं। वो भी लगा पड़ा छोटू भी, 2-4 दाने इसने भी खा लिए। पापा आए आते आते बहुत लेट हो गए थे, कसम भाई के घर गए थे तो वहाँ पर टाइम लग गया हमें घर आते आते। हम ऑलरेडी लेट ही पहुँचे थे बहुत ज़्यादा, अब हम लोग घर पहुँचे हैं करेक्ट 12 बजे। मतलब टायर्ड फील कर रही हूँ, मेरे को नैक में पेन इतना ज़्यादा हो जाता है ना, जब ज़्यादा बैठे बैठे हो जाता है ना मेरे को नैक में पेन होता था, इस टाइम पर मेरे पूरे नैक में इतना गंदा पेन हो रहा है ना, ऊपर से ये महाराज गोदी में चढ़े पड़े हैं, उतरने का नाम ही नहीं ले रहे इनको। और अभी मेरे को ब्लॉग भी एडिट करने हैं, और मेरे इतने सारे ब्लॉग्स पड़े हैं। Thank you.